कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम से हाथों में थैले लेकर फिट एंड क्लीन मैराथन इंडिया रन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बच्चों के साथ आम नागरिक भी शामिल हुए। इस मैराथन में शामिल बच्चों तथा लोगों ने हाथों में थैले लेकर जगह जगह सफाई की और पॉलिथीन भी उठाए। मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाने पहुंचे कुरुक्षेत्र के उपायुक्त डॉक्टर SS फुलिया ने बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर फिट एंड क्लीन मैराथन इंडिया रन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की वक्त को देखते हुए पहल होनी चाहिए कि पॉलिथीन का प्रयोग ना करें। उन्होंने सभी लोगों से अपने आप को फिट रखने और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। ये फिट एंड क्लीन मैराथन का आज आयोजन किया गया और ये इस उपलक्ष्य में, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें क्लीन करने के लिए, क्योंकि पॉलीथीन काफ़ी हमारे लिए ना केवल इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है बल्कि हमारी सेहत को, या हर जगह जहाँ भी होता है ये, चाहे नालियाँ हों उसमें रुकावट पैदा करता है, साथ ही साथ ज़मीन में जो पानी का वाटर रिचार्ज होना होता है उसमें भी दिक्कत ये होती है इसकी वजह से, क्योंकि पॉलीथीन की वजह से ये हमारा पूरा का पूरा एक आज की पहल होनी चाहिए हर व्यक्ति की कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और अपने कपड़े के थैलों का प्रयोग करें केवल सामान ले जाने के लिए। तो मैं आज इस अवसर पर सबको, सबसे कुरुक्षेत्र वासियों को ये प्रार्थना करूंगा कि सभी फिट रहें और साथ के साथ अपने वातावरण को, अपने परिसर को, अपने जितने भी हैं रोड्स हैं या जो सामाजिक संस्थान हैं उन सबको क्लीन रखें और विशेषकर सभी से अनुरोध है कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें।